लेट्स लर्न हाउ टू ड्राफ्ट अ पेटिशन। सो आज का पेटिशन ड्राफ्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये पेटिशन किस बारे में है और इस केस के फैक्ट क्या है। ये पेटिशन होगा फॉर डिवोर्स अंडर म्यूचुअल कंसेंट। हमारे इस केस में दो पेटिशनर होंगे क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट है, एंड ये दो पेटिशनर होंगे हस्बैंड एंड वाइफ, और जो पार्टीज के यहाँ नाम है वो इमेजिनरी है। हस्बैंड का नाम फुलदेव एंड वाइफ का नाम फुलन देवी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। फुलदेव एंड फुलन देवी के बीच शादी हुई थी, एंड नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू इट एंड दे वांट अ डिवोर्स अंडर म्यूचुअल कंसेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट के अंदर हम डिवोर्स फाइल करने वाले हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो हम करने वाले हैं वो है एमएस वर्ड खोलना। एमएस वर्ड खोलने के बाद हमारा सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा इस पेज के लेआउट को चेंज करना। हम इसे लीगल में चेंज करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे है वो है कोर्ट का नाम एंड कोर्ट का लोकेशन डालना। सो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज एट कुछ भी प्लेस, फिर उसके नीचे हम लिखेंगे केस नंबर डैश ऑफ 2021 एंड ये वैल्यू कोर्ट खुद ही फिल करती है, सो ये फिल करने की जरूरत नहीं है। और ये केस है बिटवीन द पेटिशनर्स, द फर्स्ट पेटिशनर एंड द सेकंड पेटिशनर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेटिशनर हो गए हस्बैंड फुलदेव सन ऑफ कांचादेव, एंड हमारे सेकंड पेटिशनर जो हो गए वो हो गए फुलन देवी डॉटर ऑफ महाफुलन देवी। कुछ भी जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था जिसमें हम प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे थे कि वी हैव टू पुट द सब्जेक्ट नेम, तो हम यहाँ भी एक सब्जेक्ट नेम डालने वाले हैं जिससे एस्टैब्लिश होगा कि ये पेटिशन किस बारे में है। इट विल हेल्प द कोर्ट टू डिटरमाइन व्हाट दिस पेटिशन इज ऑल अबाउट। पेटिशन अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1B ऑफ द HMA फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट। जस्ट टू क्लैरिफाई, फुलदेव एंड फुलन देवी की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर, एंड यहाँ से हम अपने सबमिशंस को डालना स्टार्ट करेंगे। That the marriage between the parties was solemnized on dash at dash by Hindu rites and ceremonies. The said marriage was consummated thereafter and the parties cohabited as husband and wife at the matrimonial home, that is at. The particular showing the details of the parties to the present petition is given hereunder. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ को सेग्रीगेट करेंगे एंड उनके स्टेटस, उनके रेजिडेंस एंड उनके एज को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। बिफोर द मैरिज एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दिस पेटिशन वाज बीइंग फाइल्ड। बिफोर द मैरिज हस्बैंड स्टेटस एज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वाइफ स्टेटस एज प्लेस ऑफ रेजिडेंस। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पेटिशन हस्बैंड स्टेटस एज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वाइफ स्टेटस एज प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब ये हो गया म्यूचुअल डिवोर्स। तो म्यूचुअल डिवोर्स का मतलब होता है कि यहाँ कोई इशू परसिस्ट नहीं कर रहा है इनके बीच में, ये दोनों चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए। टू इंश्योर दैट दिस पिटिशन गोज वेरी स्मूथली यू वांट टू एस्टैब्लिश क्या सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम इस बात को क्लियर भी कर रहे हो। डैट देयर इज नो इशू आउट ऑफ द वेडलॉक ऑफ द पार्टीज, डैट द पार्टीज कुड नॉट एडजस्ट विथ ईच अदर ड्यू टू टेम्परामेंटल डिफरेंसेस एंड देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन इररिट्रीवेबली and it is now not possible between the parties to live as husband and wife anymore. You know, as a lawyer, तुम चाहोगे कि ये पूरा process जल्दी से जल्दी निपट जाए। That's why you just want to make sure that तुम इस petition में डाल रहे हो कि यहाँ अब reconciliation का कोई option नहीं बचा है। So the only option that is left is to grant us relief. That all the efforts of reconciliation between the parties to continue the present marriage has failed and there are no further chances of reconciliation between the parties anymore. That the parties are residing separately since koi bhi date dal do and there is no cohabitation between the parties since then. That the parties have now decided to dissolve the marriage legally through a decree of divorce on mutual consent. The parties have settled all their claims, counterclaims, etc. and the respondent wife has received her entire sthridhan, permanent alimony, maintenance, etc. and there is no due with regard to any other claim between the parties now. ये सबमिशन के बाद मेक श्योर हो जाता है कि कोई फ्यूचर में एडवर्स सबमिशन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि यहाँ सारे इशू सेटल्ड हो चुके हैं। द पार्टीज हैज़ डिसाइडेड टू विदड्रॉ ऑल द कंप्लेंट्स, काउंटर कंप्लेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। दैट देयर आर नो अदर डिवोर्स प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एनी अदर कोर्ट। कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को अब हम यहाँ एस्टैब्लिश करेंगे। दैट द मैट्रिमोनियल होम ऑफ द पार्टीज वॉज एट डैश, hence this court has the jurisdiction to grant the decree of divorce as prayed for. That there are no legal impediments in grant of the decree of divorce to the parties on the basis of mutual consent. Ab aate hain hum prayer pe. It is most respectfully prayed that the court may accept the present petition and grant of decree of divorce between the parties, thereby dissolving the marriage between the parties. Any other order which the court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the present case be also be passed in favor of the petitioners. Petitioner number 1, petitioner number 2, verifications. I
फुलन देवी वाइफ ऑफ फुलदेव aged about kuch bhi years deciding at do hereby solemnly affirm and says as follow I am the petitioner above named and I know and I have made myself acquainted with the facts and circumstances of this case the statements in paragraph 1 to 10 are true to my knowledge and belief I sign this verification on this day of dash at the courthouse at dash signature of wife and signature of advocate verification mein jo dusra paragraph hoga yahan hum husband ke bhi information ko put forth karenge I Fuldev son of Kanchadev aged about dash year residing at dash do hereby solemnly affirm and says as follow I am the petitioner above named and I know and I have made myself acquainted with the facts and circumstances of this case the statement in paragraph 1 to 10 are true to my knowledge and belief I sign this verification on this dash day of dash at this court house at dash signature of husband and signature of advocate वीडियो अच्छा लगा लाइक करो फ्यूचर में कुछ ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में